अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हेडमराला आया हूँ। हेडमराला, जैसा कि आप नहीं जानते, हेडमराला सियालकोट में, और सियालकोट है गुजरांवाला के करीब। गुजरांवाला पंजाब में है, और गुजरांवाला का लाहौर से 1 घंटे का सफ़र है। चूँकि हम लाहौरी हैं और हम लाहौर से आए हैं, और काफ़ी हम एंजॉय कर रहे हैं हेडमराला। सियालकोट में एक ही देखने वाली चीज़ अब तक मिली है, और जिसका नाम है हेडमराला। हेडमराला बहुत ही कमाल की जगह है। हेडमराला हेड है जिसमें पानी आता है, और ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफी चल रही है। ये भी हमारे साथ ही है दो इंसान। वैसे तो दरिया में आना मना है सख्ती से, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के नाते हम रूल को तोड़ते हुए आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं जिस फोन पे शूट कर रहा हूँ वीडियो, मेरे पास इस वक्त जो है मोजा मिनी नहीं है, ना ही कोई ट्राईपोड है जिससे मैं कंफर्टेबल होके वीडियो बना सकूँ, स्टेबल बना सकूँ। स्टेबल नहीं है इस टाइम वीडियो, लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो स्टेबल हम बाद में कर लेंगे, इसको टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ का शुक्र मनाएं कि कम अज़ कम वीडियो देखने को आपको मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बगैर पैसों के। सियालकोट कौन आए, कौन इतना खर्चा करे। ऊपर से मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, इसकी प्रेजेंट सिचुएशन भी बता रहा हूँ। वो पानी चेक करें, पानी छोड़ दिया गया है। पहले पानी नहीं था, अब पानी है, आ रहा है। और आप खुद सोचें कि मैं कितना बड़ा रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर यहाँ पर अब पानी ज़्यादा हो जाता है तो सोचें मुझे भागना पड़ेगा इधर से, लेकिन आपके लिए मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता चलता हूँ पानी इधर का, एक पानी का शॉट। कवा देखें पहले तो, हेडमराला का कवा जो उड़ चुका है। कहते हैं तोते उड़ गए, यहाँ पर कवे उड़ गए।